कई प्रस्ताव आए थे ताकि जो टैक्स का जो दायरा है वो बढ़ाया जा सके। सबसे बड़ी बात जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और फ्यूचरल ऑप्शंस बढ़ाने की बात हो रही थी, प्रतिभूति पर जो टैक्स लगाया जा रहा है 0.02% लगाया जाएगा, जो इक्विटी जो बायबैक करते हैं शेयर उन्हें टैक्स भरना होगा, और इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी यानी कि सामाजिक सुरक्षा के जो फायदे हैं वो सबको मिल सके। एनपीएस में जो डिडक्शन है उस पे उसकी सीमा को हम 10 से बढ़ाकर 14% बढ़ाया जा रहा है। रिडक्शन है, ये जो कर्मचारी हैं उनके वेतन का 10 से 14% किया जा रहा है। जो निजी क्षेत्र में जो 14% तक का जो डिडक्शन होगा उसको छूट मिलेगी। भारत के जो कामगार हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज में जो उनको सुविधा मिलती है, सामाजिक सुरक्षा में निवेश मिलती है, और जो दूसरे तरीके से उनको जो फायदे मिलते हैं, अगर ऐसी बातों की जानकारी नहीं दी जाएगी तो उनको काले धन के कानून के दायरे में लाया जाएगा। ऐसे में जो मूवेबल एसेट होंगे जो 20 लाख रुपए के और 20 लाख रुपए तक के आपराधिक दायरे से बाहर लाया जा रहा है। वित्तीय बिल के दूसरे हिस्से की अगर बात की जाए, पर्सनल इनकम टैक्स टैक्स बेनिफिट्स कुछ फंड्स में बढ़ा रहे हैं हम, IFSCs में हम इसे शामिल कर रहे हैं, इसको इस दायरे में लाया जा रहा है। तो बेनामीदार अगर पूरी तरीके से जानकारी अपना देता है तो बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोविजन एक्ट के तहत इसे छूट मिलेगी। पर्सनल इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो बड़ी घोषणाएं हैं, दो ऐलान हैं जो नए और नए टैक्स रिजीम की ओर बढ़ते हैं। तो पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है सैलरीड एम्प्लॉय के लिए उसको बढ़ाया जा रहा है, वो 50,000 है अभी, उसे बढ़ा करके 75,000 अभी किया जा रहा है, जो नए टैक्स रिजीम में बताया जा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, 700 पॉइंट गिरा शेयर बाजार, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ बजट जो कि पेश किया जा रहा है, दूसरी तरफ शेयर मार्केट ₹30%। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस अ सैलरीड एम्प्लॉय इन द न्यू टैक्स रेजीम स्टैंड्स टू सेव अप टू ₹17,500 इन इनकम टैक्स। अपार्ट फ्रॉम दीज आई एम ऑल्सो मेकिंग सम अदर चेंजेस एज गिवन इन द एनेक्स। As a result of these proposals, revenue of about 37,000 crore, that is 29,000 crore in direct taxes. 10 से 12 लाख रुपए तक 15% टैक्स लगेगा, 12 से 15 लाख रुपए तक 20% टैक्स लगेगा, और 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स लगेगा। इन बदलावों की वजह से जो वेतन भोगी कर्मचारी हैं नए टैक्स रिजीम में जो हैं, उनको लगभग 17,500 रुपए बचत होगी इनकम में, टैक्स में। इसके अलावा हम कुछ और ऐलान करना चाहेंगे, कुछ बदलाव कर रहे हैं, जैसा कि हमने विवरण निकाल के दिया है। इन नए प्रस्तावों की वजह से लगभग 37,000 करोड़ प्राप्ति होगी डायरेक्ट टैक्सेस में, 29,000 करोड़ और 8,000 करोड़, 37,000 करोड़ का नुकसान होगा सरकार को। और इसलिए जो पूरा प्राप्ति चली जाएगी वो 7,000 करोड़ लगभग सालाना का नुकसान होगा। और इसी के साथ स्पीकर महोदय हम बजट को प्रस्तुत करते हैं। जय हिंद। On the table, the following statements under section rise to move for leave to introduce the finance number 2 bill 2024. प्रश्न ये कि विधेयक को पूरा स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें।